में चुनाव अभी जो है अनाउंसमेंट हो चुके हैं, वहां पर टिकटों के बारे में भारतीय जनता पार्टी में कुछ विधायक और नेता छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, इस पर क्या मानते हैं? सरकार में किसकी सरकार आ रही है हरियाणा? बाद मीरापुर की पूछ ले, कराने की पूछ ले, शाम ले सारे देश की मेरे से पूछेगा क्या भाई? जब मैं बताया हम तो देख है ना, हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा है हम तो, मैं तो बता दिया बीजेपी जीत रही है सरकार बन रही बीजेपी हरियाणा में। खबरें चल रही है कि खबरें तो चले ही करे, ये तो खबरें चलेंगी चलनी चाहिए। दोस्तों मैं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं डीयूपी। आज हमारे साथ जुड़े हैं शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। हमारे कुछ सवालात होंगे, मीरापुर विधानसभा के कुछ जो इलेक्शन चलेंगे अभी उपचुनाव होने हैं वहां पर, वहां पर कुछ इस तरीके की घोषणाएं हुई, यहां से अमीर आलम के बेटे नवाइश आलम ने जो घोषणा की थी कि मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं वहां से नहीं लड़ूंगा, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेंगे वही चुनाव लड़ेगा, और मेरा तो कहना यह है जो जीतेगा वही चुनाव लड़ेगा, रही नवाजिश वाली बात पूछ रहे थे, वो उनका पर्सनल फैसला है, और मुझे उम्मीद है कि यदि राष्ट्रीय नेतृत्व न कहेगा तो मना भी नहीं करने के, उनकी कोई आपसी बात होगी, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी क्यों करूं। आपने एक बात कही कि जो वहां पर जीतेगा वही चुनाव लड़ेगा, इसका मतलब अमीर आलम के बेटे पहले ही आ चुके हैं? नहीं, ऐसा मैं कोई कह रहा था, अच्छे आदमी है, अच्छे लड़ने वाले हैं, वो उनका अपना फैसला है। आज केराना में है, केराना में जो है एक तरीके से इकरा हसन का नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चित रहा है लोकसभा चुनाव में, आपको लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नवाज आलम अमीर आलम की एक तरीके से मुखालफत रही इकरा हसन के प्रति, तो मीरापुर में अगर मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ उतारा जाता है, खास करके अमीर आलम के लड़के को, तो वहाँ पर वो मुस्लिमों में प्रभाव डाल सकती थी, क्या इस कारण भी आरएलडी ने कदम पीछे लिया? हर आदमी की अपनी सोच है, आपकी सोच ही ऐसी होगी जो आपने कही है, मेरी अलग है, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, फैसला उन्होंने लेना है, एनडीए घटक दल का हिस्सा है हम, और दोनों नेता बैठेंगे, दोनों पार्टी हुए, वो फैसला है, अभी तो यू ही निश्चित नहीं है भाई, चुनाव राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा या बीजेपी लड़ेगी, अब ये निश्चित है कि एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और वो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा जो जीतेगा, अब लो ये निश्चित है, वो किसका नाम आवे, यू तो टिकट मांगने वाले तो वहां 20-25-30 हैं, जिसका भी टिकट हो जाएगा वही जीत जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कास्ट को देखकर जो है इनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो जो है यादव को जो है इनकाउंटर कर दिया गया, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बड़े नेता है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन क्राइम को खत्म करने के लिए कहीं कास्टिज में आगे नहीं आता, ना कास्टिज की बात होती, क्राइम खत्म होना है और कानून व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है चाहे वो किसी जाति का हो धर्म का हो, यदि वो अपराधी है तो उसके साथ व्यवहार उसका वही होगा जो अपराधी के साथ हुआ करे, और यदि वो अपनी जाति को लगाकर अपने आप को बचाना चाहता है तो एक गलत बात है, और उस पर कोई राष्ट्रीय नेतृत्व कोई टिप्पणी टाकी करे हमारी समझ से बाहर है, बड़े नेता है, मैं उनके बारे में कुछ कह सकता, पर मुझे इतना पता है कि क्राइम कहीं जाति बिरादरी और धर्म का उसमें कोई मतलब नहीं होता, जो जिसका क्रिमिनल बुद्धि होती है, जो इस टाइप का लोग होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी जाति में हो सकते हैं, किसी धर्म में हो सकते हैं, और कानून को अपना काम करना चाहिए, और कानून अपना काम कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है यदि कोई क्राइम करेगा तो उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा और उसे मौत के घाट भी उतारा जाएगा, उसके पैर में गोली भी लगेगी जब वो क्राइम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर रोक लगाई है, यूपी सरकार से जवाब तलब किया है कि आप हर किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चला सकते, आप कह रहे हैं बुलडोजर चलना जो होगा, और जो क्राइम करेगा, जो बेगुनाह लोगों को सताओगा, चोरी करेगा, जारी करेगा, डकैती डालेगा, अपहरण करेगा, तो उसके लिए तो कानून सख्त सख्त कार्य करेगा, उसके लिए तो जनता यहाँ चाहती है उस पर बुलडोजर भी चले, सारे काम हो उसके लिए होने चाहिए। लेकिन बंगाल में जो है, बंगाल में जिस तरीके से जो है कानून लाई है ममता बनर्जी, तो इस एक पहले भाई सुन ले, अब राष्ट्रीय नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी, लेकिन अब किसी यादव ने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कानून ने अपना काम करा, जब वो बोल रहे हैं, और जब विकास दुबे का एनकाउंटर हो रहा था जब तो नहीं बोल रहे थे, जब तो बड़ी खुशी थी, क्या मैटर था, कौन फैला रहा है भाई जातिवाद, कौन फैला रहा है, जब भी बोलना चाहिए था, तो कहीं भी कहीं देख लो आप, यदि कोई क्राइम हो रहा है उसमें कहीं जाति
आड़े आती नहीं ना आनी चाहिए, और ना संविधान में कहीं लिख रही, जाति का मतलब ही नहीं। चोर चोर है, डकैत डकैत है, अपहरण करता है, उसे हमें मतलब नहीं हो किस जाति से, तो सोच समझ के करना। उत्तर प्रदेश में तो कानून लाना चाहिए ना, ममता बनर्जी तो कानून ले आई लड़की के मामले में, वहां अगर कोई रेप होता है, ऐसी घटना होती है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार रेप। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोई भी यदि घटना इस टाइप की होगी उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाएगी, और यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ बंगाल जैसा काम है भी नहीं, और यदि कोई होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। हरियाणा में चुनाव अभी जो है अनाउंसमेंट हो चुके हैं, वहां पर टिकटों के बारे में भारतीय जनता पार्टी में कुछ विधायक और नेता छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, इस पर क्या मानते हैं? सरकार में किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? बाद मीरापुर की पूछ ले, कराने की पूछ ले, शाम ले सारे देश की मेरे से पूछेगा क्या भाई? जब मैं बताया हम तो देख एनडीए गठबंधन का हिस्सा है हम तो, मैं तो बता दिया बीजेपी जीत रही है, सरकार बन रही बीजेपी हरियाणा। खबरें चल रही है कि खबरें तो चले ही करे, ये तो खबरें तो चलेंगे, ये तो चले ही करे, चलनी चाहिए। हम अपने किराना में किस कार्यक्रम में आप आए? यहाँ इसका दीपक ने होटल खोला है, उस होटल की आज शुरुआत थी, ओपनिंग थी, और अच्छा लजीज भोजन भी बनाया है, वेजिटेरियन होटल यहाँ रहेगा, इस पर सब पकोड़े भी, रोटी भी, दाल, बढ़िया भोजन मिलेगा, बीच में चाप, सोयाबीन चाप खुआ, अभी देख पनीर है वो खा रहे हैं, अच्छा होटल खुला है, कैरेना में इस टाइप का होटल था भी नहीं। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके चैनल के माध्यम से भी भाई, दीपक का होटल अच्छा चले और लोगों को अच्छा भोजन मिले, करने के अंदर भी हम भी आग्रह करें। अंतिम सवाल, आपने मीरापुर की बात छेड़ी थी, वहां चंद्रशेखर आजाद पर क्या सरकार अब मेहरबान होगी, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्या संविधान का जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था 2024 चुनाव में, अभी क्या उसको देखते हुए सुरक्षा दी गई है चंद्रशेखर आजाद? ऐसा है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो यदि उसे कोई डर होगा या उसकी कहीं से कोई सिक्का ऐसी मिलेगी कि भाई उसे नुकसान हो सकता है, तो सरकार का फर्ज है उसकी सिक्योरिटी बढ़ावे, बढ़ानी चाहिए। मैं भी दो गनर ले रहा हूँ बता, तो ये तो मिले ही है, मिलने भी चाहिए भाई, क्या है जनप्रतिनिधि के लिए मिलना जुलना आना जाना ज्यादा लोगों से रहे, और वहाँ कोई भी मैटर ना हो जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है उसे सिक्योरिटी देगा, उस पर कोई जान आफत ना हो उसकी। धन्यवाद आपने, धन्यवाद।